हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस क्लिप पे। हम जो सीरीज चला रहे हैं प्रसिद्ध परीक्षा 2022 की, उसका आज नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया था बच्चों, कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर उसके सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। विद्युत मोटर का आपने क्या बनाना है, चित्र बनाना है, उसका सिद्धांत देना है और साथ में क्या समझानी है, उसकी कार्यविधि समझानी है। 3 नंबर का है, 1 नंबर का चित्र, 1 नंबर का सिद्धांत और 1 नंबर की कार्यविधि। तो सबसे पहले आपने क्या बनाना बच्चों, आपने इसका चित्र बनाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र। ठीक है, तो चित्र में आपने क्या करना है, जब आप डायग्राम बनाओगे तो आप देख सकते हैं इसमें आपके 2 मैग्नेट हैं, एक का नॉर्थ पोल दिख रहा है, दूसरे का साउथ पोल दिख रहा है। बीच में क्या है, आपकी कुंडली है और उसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ा गया है। नामांकित आरेख बनाने के बाद हम सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है बच्चों, कि यदि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करेगा जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। आपने चित्र में देखा 2 पोल थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट के, उसके बीच में क्या है, कुंडली है। अगर हम विद्युत जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके माध्यम से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली पर क्या होता है, एक बल युग्म कार्य करता है। वह किससे कौन करता है, बल युग्म कौन कार्य करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो क्या करता है, उस कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है। तो अगर वो घुमाने का प्रयास करता है तो क्या होगा, वो घूमने लगेगी। कौन, कुंडली। वो कब घूमने घूमने लगेगी, जब वो घूमने के लिए क्या होगी, स्वतंत्र होगी, तो कुंडली क्या होने लगेगी, घूमने लगेगी। सिद्धांत के बाद विद्युत मोटर की कार्यविधि है। तो ये कार्यविधि का मतलब होता है विद्युत मोटर काम कैसे करती है। ठीक है, तो कैसे करती है, जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे कि आप चित्र में देखा आप लोगों ने कि उसमें बैटरी अटैच है, उससे क्या किया जाता है, कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करते हैं। आपने डायग्राम में देखा 2 भुजाएं थी, ए बी और सी डी। तो ये क्या करते हैं, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, क्या था फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये था। ठीक है, उसके अनुसार क्या करता है, बराबर तथा विपरीत दिशा में बल का कार्य करते हैं। ठीक है, जिसके कारण कुंडली और विभक्त वलय घूमने लगते हैं। चित्र में आप देख सकते हो क्या है, इसमें कुंडली है जो किससे जुड़ी है, विभक्त वलय से जुड़ी है। इसके कारण क्या होते हैं, वो घूमने लगते हैं। विभक्त वलय से धारा की दिशा इस प्रकार की जाती है कि कुंडली पर बल लगाकर एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली घूमती रहे। मतलब इस प्रकार से वर्किंग हो इसकी, जो कुंडली है वो लगातार क्या हो, घूमती रहे। तो ये आपकी क्या थी, विद्युत मोटर की कार्यविधि थी। तो इसमें क्या है बच्चों, एक तो 1 नंबर चित्र का हो गया, 1 नंबर सिद्धांत का हो गया और 1 नंबर कार्यविधि का हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जो विद्युत मोटर है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करती है और जिसका इसका यूज है, ये क्या करती है विद्युत मोटर, जो हमारी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 22 में 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2 में से कोई एक करना था। एक तो पूछा गया था विद्युत मोटर के बारे में और दूसरा पूछा गया था, न्यूमेरिकल था क्वेश्चन, क्या था ये, कि एक टॉर्च के बल्ब पर 5 वोल्ट तथा 500 मिली एम्पियर अंकित है, ज्ञात कीजिए। एक टॉर्च है, ठीक है ना, उसके बल्ब पर 5 वोल्ट लिखा है, 500 मिली एम्पियर लिखा है। हमने क्या ज्ञात करना है, बल्ब की शक्ति, पावर कितनी है बल्ब की, नंबर 2 बल्ब का प्रतिरोध, और नंबर 3 2 घंटा जलाने पर बल्ब द्वारा उपभोक्त ऊर्जा। ये भी 3 नंबर का है, इसका मतलब ये है, ये 3 नंबर जो है इनमें एक एक नंबर में बढ़ गया है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल को हल करने से पहले हम ये देखते हैं कि प्रश्न में किस किस की वैल्यू हमें दे रखी है। जो वैल्यू हमें दे रखी होती है उस वैल्यू को हम एक तरफ लिख लेते हैं। जैसे इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है, एक तो बल्ब का विभवांतर दे रखा है, वो हमने लिख दिया 5 वोल्ट। दूसरा क्या लिखा है, विद्युत धारा दे रखी है, वो है 500 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले हम मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे, क्योंकि विद्युत जो धारा होता है उसका मात्रक है एम्पियर। तो 500 मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कैसे बदलेंगे, हमें पता है कि 1 एम्पियर में कितना होता है, 10 की पावर -3 मिली एम्पियर। ठीक है, तो उस 500 को गुणा हम 10 की पावर -3 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.5 एम्पियर आएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, क्या पूछा गया था, बल्ब की शक्ति। तो बल्ब की शक्ति क्या होता है, पावर इज इक्वल टू VI, विभवांतर गुणा गया विद्युत धारा।
विभवांतर हमारे पास कितना है 5 वोल्ट और विद्युत धारा कितनी है 0.5 एम्पियर। जब हम इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं 5 का 5 के 0.5 के साथ तो हमारा आंसर आता है 2.5। तो हमारा जो पावर है बल्ब की शक्ति वो कितनी होगी 2.5 वाट। जो दूसरा पूछा गया है वो बल्ब का प्रतिरोध पूछा गया है। तो हमें पता है बल्ब का जो होता है बल्ब के प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या हो गया, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा। विभवांतर कितना है हमारे पास 5 वोल्ट और विद्युत धारा कितनी है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ जो है पॉइंट के बाद एक संख्या है तो उतना जीरो हम क्या लिख देंगे, अंश भी बढ़ा देंगे, तो ये 50/5 लिख सकते हैं इसको। तो 50/5 सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आया 10। तो हमारे पास जो बल्ब का प्रतिरोध आया है वो कितना आया है 10 ओम। जो उसका तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि 2 घंटा जलाने पर बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा, पहला दूसरा हम सॉल्व कर चुके हैं, अब तीसरे में क्या था, एक नई चीज ऐड हो गई है, टाइम ऐड हो गया है। 2 घंटा क्या गया बल्ब को जला रहे हैं तो उस 2 घंटे में उसने कितने एनर्जी यूज करी। ठीक है, तो हमें पता है समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो सबसे पहले हम घंटे को कितने बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो समय टी बराबर क्या हो गया 2 घंटा, 2 घंटे को हमने सेकंड में बदलना है तो 2 × 60 × 60 कर देंगे। ठीक है ना, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आपका समय क्या हो गया, ये आ गया। हम इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब जो तीसरा प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तो उसको एक साथ यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये हमें पता है ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला आएगा W = P × T। तो यहाँ पे P क्या है, पावर। पावर क्या है हम पहले निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चन में, तीसरा है ये पहले वाले हम निकाल चुके हैं, क्या है बल्ब की शक्ति वो कितनी आई थी हमारी 2.5 वोल्ट आई थी। तो टी क्या है हमारा, टी हमारा ये आ गया 2 × 60 × 60। तो पी बराबर हमने 2.5 रख लिया और टी बराबर ये रख लिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब 2.5 का हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, 5 × 60 × 60 हो जाएगा। फिर आके इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 × 6 = 36 हो जाएगा। और जब हम 5 का गुणा 36 का करेंगे तो 6 × 5 = 30, 5 × 15 = 18, ये आपका क्या आ जाएगा, कितनी ऊर्जा इसने उपभुक्त की 18,000 जूल। तो ये आपका तीसरे का आंसर आ गया 18,000 जूल। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, न्यूमेरिकल पूछा गया है, जो कि लाइट चैप्टर से है। ठीक है, इसमें पूछा गया है 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना है। 3 नंबर का है, हमने क्या ज्ञात करना है, स्थिति प्रकृति और आकार। सबसे पहले हम जब प्रश्न को देखते हैं तो कौन कौन सी वैल्यू दी होती है, दे रखी है इसमें, वो हम नोट कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, एक तो लंबी वस्तु मतलब वस्तु की हाइट, तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगी 4 सेंटीमीटर, ये हमेशा प्लस में होती है, वस्तु की ऊंचाई प्लस में होती है। ठीक है, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर होती है। दूसरा लेंस से वस्तु की दूरी, तो लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो वस्तु हमेशा किस तरह रखी जाती है, आपको पता है जैसे उत्तल लेंस से वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, बाई तरफ, ये 4 सेंटीमीटर माने इसकी हाइट है, ये कहाँ है बाई तरफ। तो प्रकाश कहाँ से आता है बेटा, हमें यहाँ से आता है, तो इस तरफ जो वस्तु रखी जाती है उसकी प्रकाश केंद्र से दूरी हमेशा माइनस में नापी जाती है, इसलिए लेंस से वस्तु की दूरी यू बराबर -30 सेंटीमीटर है। अगला है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है, तो F = क्या हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आपको पता है किस किस के बीच में बनता है, प्रकाश के केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले इमेज ज्ञात करनी है, जो 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। हमारे पास H आ गया, U आ गया, F आ गया, हमें क्या ज्ञात करना है, V मतलब प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/F = 1/V - 1/U। इसमें हमको क्या ज्ञात है, F और U ज्ञात है, हमें ज्ञात क्या करना है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, V। हम इसका पहले ही पक्षांतर कर लेते हैं, हमें V ज्ञात करना है,
पक्षांतर करने पे हम एक वी यहाँ ले आते हैं और ये माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जब यू इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ इनकी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, तो एफ की वैल्यू कितनी है 20 जो हमने यहां से रखी है, ठीक है, और सॉरी यू की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है 20 और यू की वैल्यू है माइनस 30 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/20 माइनस 1/30, यहां प्लस था क्योंकि यहां माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम निकाल के, 30 और 20 का एलसीएम कितना हो गया हमारा 60, ठीक है, तो 20 तीन 60 और 30 दूनी 60, 3 माइनस 2 अपॉन 60, तो ये 1/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/60। तो v की वैल्यू हमारे कितनी आएगी 60 सेंटीमीटर, अर्थात जो हमारा क्या आया है प्रतिबिंब बना है, किसका प्रतिबिंब, ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की जो वस्तु है जो कि कितनी सेंटीमीटर दूर है 30 सेंटीमीटर दूर है प्रकाशित दूरी से, वो उसका प्रतिबिंब बना हमारा प्लस 60 सेंटीमीटर। ये प्लस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बना है, लेंस के पीछे इस तरफ कहीं बना है, लेंस के पीछे, उत्तल लेंस के पीछे प्लस में है, इस तरफ बना है। अब हमें ये पता नहीं, यहां तक हमें इतना तो पता चल गया लेंस के पीछे बना है, ठीक है, अगर पीछे बना है तो क्या बना है, वास्तविक बना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वो उल्टा बना है कि सीधा बना है, यहां तक हमको पता नहीं है। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करेंगे, इमेज का साइज हमें पता है कितना है 4 सेंटीमीटर हाइट है, अब हमें किसकी हाइट ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इनका रिलेशन जो आवर्धन क्षमता होती है लेंस की, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच होता है, तो इसका प्रतिबिंब और वस्तु से क्या संबंध होता है, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, एच डैश मतलब प्रतिबिंब का आकार, बाकी हमको ये तीनों चीज ज्ञात है, वस्तु का आकार ज्ञात है और दूरी ज्ञात है दोनों की, प्रतिबिंब की और वस्तु की भी। फिर हम देख लेते हैं एच डैश इज इक्वल टू वी एच अपॉन यू, ठीक है, पक्षांतर हमने पहले ही कर लिया है, अब हम इसका वैल्यू पुट अप करेंगे, v की वैल्यू कितनी आई थी 60, h की वैल्यू हमारे पास पहले से कितनी है 4 और u की वैल्यू कितनी है माइनस 30, तो 6 × 24 240/-30, 0 से 0 कटा 24/3 बचा, तो 24 में 3 का भाग कितनी बार जा रहा है 8 बार, तो यहाँ पे ये माइनस चिन्ह आ गया, तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो हमारी कितनी आ रही -8 सेंटीमीटर। तो माइनस से हमें पता चलता है जो प्रतिबिंब बना है वो कहां बना है, नीचे की ओर कहीं बना है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, वो क्या हो गया उल्टा, यहां तक क्या था वास्तविक, यहाँ पे प्रतिबिंब हमें पता था वास्तविक, यहां से पता चल गया उल्टा है और वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, यहाँ है -8 प्रतिबिंब की ऊंचाई और यहां कितनी है 4, तो ये क्या है -8 है, तो इसका मतलब इसकी जो क्या बना है, प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बड़ा बना है, यही इसका आंसर है। हमें स्थिति प्रकृति का आकार ज्ञात हो गया, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, कितना बड़ा है, लगभग 2 गुना है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया है परितंत्र से आप क्या समझते हो, इसके मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए, इकोसिस्टम है उसको आप क्या समझते हो उससे, और उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, ये भी 3 नंबर का है, तो इसका आंसर क्या है, सबसे पहले हम इकोसिस्टम में परितंत्र क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा क्या होती है, किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों को सामूहिक रूप से परितंत्र कहते हैं, इसके 2 मुख्य घटक हैं। इकोसिस्टम कई प्रकार के होते हैं, आपको पता है जंगल का अलग होता है, लैंड का अलग होता है, समुद्र का अलग होता है, ठीक है ना, तो वहां पे जितने भी जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनका आपस में जो पारस्परिक संबंध होता है उनको एक साथ जब वो संबंध स्थापित करते हैं उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इसके 2 घटक हैं, नंबर 1 जैविक, नंबर 2 अजैविक। अभी जैविक घटक क्या होते हैं, सभी पादप एवं जंतु जैविक घटक हैं, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जितने भी प्लांट एवं एनिमल है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जैविक घटक में आते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, प्रोड्यूसर, कंपोजर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। जैविक घटक में जो सबसे पहला है वो है उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं, हरे पौधे, नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक क्या होते हैं हमें बताया, जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे उन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो
एग्जाम्पल क्या होगा उसका, हरे पेड़ पौधे। दूसरा है इसमें उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं, जो पोषण के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उपभोक्ता होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी उपभोक्ता क्या होते हैं, इनको प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता भी कहते हैं। ये सिर्फ पादपों का सेवन करते हैं, ये क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे हिरण हो गया। मांसाहारी क्या होते हैं, ये सिर्फ मांस खाते हैं, पौधों को नहीं खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, लेपर्ड आदि। तीसरा है सर्वाहारी, ये पादप को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं, ये दोनों का सेवन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मनुष्य और जैसे बिल्ली। ये तो हो गए आपके उपभोक्ता। अगला पॉइंट था अपघटक। जैविक घटक में अगला पॉइंट क्या है, अपघटक। अपघटक क्या होते हैं बेटे, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। इनका काम क्या है, ये मृत जीवों या पादपों को प्रकृति में नष्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे जो पेड़ पौधे टूट जाते हैं या कोई जानवर मर जाता है प्रकृति में, तो उनको सड़ाने का काम करते हैं, तो वो काम कौन करता है, अपघटक करता है। जैविक घटक पूरा हो गया है। जैविक घटक के बाद आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या होते हैं, इसके अंतर्गत भौतिक कारक आते हैं जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज आदि। ये अजैविक घटक जैविक घटक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे अजैविक घटक क्या है, आप देख रहे हैं ये एक निर्जीव वातावरण है, नॉन लिविंग है, और जैविक घटक क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। बिना अजैविक घटक के जैविक घटक का जो सर्वाइव करना है वो मुश्किल होता है, इसीलिए क्या करते हैं, इन दोनों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, हम इकोसिस्टम कहते हैं।